सबसे बेस्ट फास्टैग कौन सा है जिसका फास्टैग आपको लेने में बहुत ही इजीली प्रोसीजर है और इजीली तरीके से आपका रिचार्ज भी हो जाता है, रिचार्ज करने के झंझट ही खत्म रहेगा। आप वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग, आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत काम की चीजें आज बात करेंगे आप लोगों से, तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये बटन दिख रहा है आपको, अब उसको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे से जो बात करना है मेरी अपडेट आपको इंस्टा पे मिलेगी, डेली कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ पल पल की रील्स के टाइप्स की अपडेट आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देने वाला हूँ। तो आज जो बात करेंगे दोस्तों कि सबसे बेस्ट फास्टैग कौन सा है जिसका फास्टैग आपको लेने में बहुत ही इजीली प्रोसीजर है और इजीली तरीके से आपका रिचार्ज भी हो जाता है, रिचार्ज करने का झंझट ही खत्म रहेगा आपका, रिचार्ज करने का झंझट। अगर आपने गलती से टोल पे पहुंच गया और रिचार्ज नहीं है तो डबल पेमेंट देना पड़ता है। तो आज सब पे बारीकी से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने फास्टैग के बारे में बात। दोस्तों बहुत लोगों ने आपने देखा होगा कि भाई पेटीएम का ले लो, एयरटेल का ले लो, अपना पार्क का ले लो, HDFC का ले लो, ICICI का ले लो, बहुत सारी कंपनियां आती है फास्टैग कंपनियां जो काम करती है फास्टैग में, कौन सा ले। तो आपने देखा होगा कि बहुत बैंक है जो मतलब बहुत पेटीएम वो है क्या बोलते हैं फास्टैग है जो बैंक से डायरेक्ट लिंक हो जाता है, बहुत ऐसे होता है जिसको रिचार्ज करना पड़ता है। अगर सपोज कीजिए कि मेरा कोटक महिंद्रा का बैंक है और कंपनियां जो होती है, जैसे कि आप ये समझ लीजिए जब मैंने गाड़ी लिया था तो मेरे को पता कहाँ दिया था IDFC का वो दिया गया था फास्टैग। जब IDFC का फास्टैग दिया गया था तो IDFC फास्टैग क्या था, मतलब IDFC फास्टैग का जो हिसाब किताब था बॉस मतलब पहले रिचार्ज करो, कई बार इनका क्या होता कि सर्वर चला जाता है, तो इस तरीके से बहुत दिक्कत हुई थी दोस्तों। मतलब मैंने करीबन 3-4 महीने तक घिसा भाई साहब, इतना सरदर्द हो गया, एक दिन तो मैं विश्वास नहीं करेंगे आप लोग, मैं कस्टमर को पिकअप करके दिल्ली से बरेली जा रहा था, पहला टोल पर रिचार्ज किया 400 रुपये का, ठीक है हम भूल जाते हैं हमारा अपना काम में बिजी होते, तो भाई साहब बुरा नहीं हुआ, कह रहा सर्वर डाउन है, वहाँ पर 150 के टोल को 300 रुपये देखे गए, क्या करें भाई, क्योंकि टोल में तो ये नियम है कि अगर आपने टोल पे करना है तो फास्टैग से कटवाओ नहीं तो डबल कटवाओ, तो इस चक्कर में मुझे नुकसान हुआ वहाँ पे। फिर दूसरे में अपडेट हो गया, फिर पता लग रहा कि उस रूट पर टोल 600 प्लस है, फिर वो रिचार्ज करना पड़ा, तो फिर मेरा नुकसान, फिर अपडेट नहीं हो रहा, मेरे को इतना खुंदक आया मैंने किसी का नहीं लिया फास्टैग, समझ रहे हो। तो इसलिए अभी देख सकते हैं और मेरी ये फास्टैग लगा हुआ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये फास्टैग लगा है आपके सामने, देखिए मैंने लिया ये पेटीएम का, देख सकते हैं ये पेटीएम लिखा है, पेटीएम का फास्टैग एंड सबसे बेस्ट है दोस्तों। पेटीएम का फास्टैग में आपको समझ के चलिए कि आपको कहीं से कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, 1% भी दिक्कत नहीं होगा, सबसे बेस्ट एंड बेस्ट फास्टैग है। मैं आपको बता दूं कोई भी मतलब ये देखिए मैं पेटीएम से ना कहाँ गया ये रहा, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, कुछ भाइयों को दिखाई दे देगा कुछ भाइयों को नहीं दिखाई, जो गौर से देख रहे होंगे मेरे वीडियो उनको दिखाई दे देगा दोस्तों, है ना, जो नहीं देख रहा होगा गौर से भाई उनको नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए पेटीएम का ये फास्टैग मैंने लगवाया और पेटीएम का फास्टैग लगवाने के बाद मेरा अकाउंट से लिंक कर दिया, ठीक है। अब अकाउंट से लिंक कर दिया तो देखिए अकाउंट हिस्ट्री में जब आप देखिए पेटीएम खोलेंगे इस तरीके से पेटीएम खुलता है, ठीक है, जिन भाइयों को नहीं दिखाई दे रहा हो देख लीजिए इस तरीके से पेटीएम खुलते हैं, यहाँ पे ना आपको एक ये फास्ट बैलेंस हिस्ट्री लिखा होगा, जहाँ पे QR कोड स्कैन करते हो उसके नीचे ना बैलेंस हिस्ट्री लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैं ऐसे बताता हूँ ना, ये देखिए सबसे बेस्ट तरीका, आपको स्टेटमेंट भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको सबसे तरीका बढ़िया वाला आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये वॉलेट में लिखा है पेमेंट, ये अपना पेटीएम का मेरा अकाउंट है, मेरा ये अपना अकाउंट है, ठीक है। अब आते बाद देखिए कि आपको पेटीएम का वो दिखे कहाँ से, मतलब कि भाई इस पूरे ऐप में पेटीएम का जो फास्टैग वो दिखेगा कहाँ से, तो वो जब आप लेते हैं ना जैसे आप जाएंगे टोल पे, तो टोल पे जब जाएंगे तो वहां पे बॉस वो होगा क्या बोलते हैं वहां पे पेटीएम वाला बंदा बैठा रहता है, हर टोल पे पेटीएम का फास्टैग वाला बंदा बैठा रहता है,
₹250 लेता है, ₹100 वॉलेट में डाल देता है, ₹150 चार्ज लेता है, ठीक है बॉस। इसका लेने का फायदा क्या है मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, समझने वाली पॉइंट है, आप समझिएगा नहीं तो अगर मिस्टेक किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जब पेटीएम ओपन करते थे यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना पेटीएम हिस्ट्री, ठीक है, पेटीएम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जब ये नीचे देखिए यहाँ पे लिखा आएगा व्यू ऑल अकाउंट अनदर, तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या दिखाई दिया, ये दिखाया है ना फास्ट टैग पेमेंट ₹150, ये ₹150 रिजर्व में पड़ा रहता है, जब कभी भी आई चांस आपका पेटीएम से अकाउंट से पैसे खत्म हो गए तो आपका यहाँ पे इसमें से काट लेगा ₹150 से, ठीक है। अब देखिए वॉलेट में ये है ₹797 टोटल, पेटीएम वॉलेट में टोटल मिला के फास्ट टैग में ये है ₹900 कुछ, ₹945, ठीक है। अब पेटीएम का हिस्ट्री देखना है ना बॉस, पेटीएम का हिस्ट्री, तो पेटीएम का हिस्ट्री देखने के लिए आपको मैं बता देता हूं, ये देखिए इस पे क्लिक कीजिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा पेटीएम का हिस्ट्री, देखिए यहाँ लिखा है ना बैलेंस ₹975, फास्ट टाइम सिक्योरिटी बैलेंस ₹150 लिखा है। अब ऑटो मैंने कर क्या रखा है, ऑटो रिचार्ज इनेबल एक्सेस दे रखा है, मुझे ₹1 रिचार्ज करने की नहीं जरूरत पड़ती है, ये देखिए ऑटोमेटिक करता रहता है, ये गाड़ी नंबर मेरी है, ठीक है, एक्टिव दिखा रहा है फेस। अभी देखिए मैं देखिए कहाँ से आया हूँ, 20 जनवरी को 3:15 पे करा हूँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका अकाउंट में हिस्ट्री शो करता रहेगा, कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, कि कौन सा रोड से जा रहे हो, सब देखिए ये लिखा है ना माजरा टोल प्लाजा से माजरा, देखिए फिर लिखा है भगवानपुर, देखिए ये भी लिखा है बरवादापुर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये छापा टोल प्लाजा मुजफ्फरनगर, सिवाय टोल प्लाजा मेरठ, ये देखिए काशी डासना, सबका बैलेंस हिस्ट्री लिखा आएगा। अगर कभी आपको लग जाए कि भैया मेरा टोल ज़्यादा कट गया है तो आप यहाँ पे नीड हेल्प करके यहाँ से मदद मांग सकते हैं और यहाँ पे आपको रिप्लाई भी देगा दोस्तों। तो कुछ टोलों में भी ऐसा है सिस्टम जहाँ पे 12 घंटे में आ जाते हो आप तो आधा टोल करते हैं, कोई टोल में ऐसे है जहाँ पे पूरे 12 घंटे में भी डबल डबल देने पड़ते हैं, मतलब कि पूरे पूरे देने पड़ते हैं, कुछ टोल में ऐसे है कि 24 घंटे में छूट मिलती है। तो इस तरीके से आपका सबसे बेस्ट एंड बेस्ट टोल मैं मानता हूँ कि आपका पेटीएम का है, पेटीएम से बढ़िया कोई नहीं है दोस्तों, और सबसे बेस्ट एंड बेस्ट मैं मानता हूँ कि भाई पेटीएम, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा पेटीएम इस्तेमाल करते हैं लोग, चाहे वो खा कुछ भी लेना हो, सिगरेट लेना हो, पानी लेना हो, बीड़ी लेना हो, गुटखा लेना हो, साग लेना हो, सब्जी लेना हो, कुछ भी XYZ, तो आप पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम का वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का बैंक इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग पेटीएम को ट्राई कीजिए और पेटीएम ट्राई करने से आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। पेटीएम एक ऐप ऐसा है कि पैसे लो भी दो भी और सारा काम हो जाता है आपका। तो ये कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कीजिए, इस पूरे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को प्यार दीजिए दोस्तों। तो आप लोगों को ये वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना है, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों, है ना, सोचना पड़ता है कंटेंट आप लोग के लिए क्या जरूरत पड़ती है, फ्यूचर में क्या जरूरत होती है, क्या लोगों को नीड है, तो ये सब कुछ बताना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।